इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए समझते हैं व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए ऐसा मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है जिसका ए पार्ट है एंड बी पार्ट है। इसके अंदर गैस फिल की गई है, यहां पर ये गैस फिल की गई है, ए के अंदर वैसा ही गैस फिल की गई है बी के अंदर। अब होता क्या है, इसके जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं या जैसे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1, वैसे ही यहां पर जो फिजिकल पैरामीटर हैं P2, V2 एंड T2, यहां पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है एंड T टेम्परेचर है, वैसे ही यहां पर P2 प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और ये दो कंटेनर हैं। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो बाउंड्री है ये ऐसी बाउंड्री है जिससे हीट ट्रांसफर हो सकती है, यानी कि ये एडियाबेटिक बाउंड्री नहीं है, कोई भी ऐसी बाउंड्री जिससे हीट एक्सचेंज हो सकती है इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। अब अगर यहां पर ऐसा होता है कि ये बाउंड्री ऐसी है जिससे हीट ट्रांसफर होती है लेकिन यहां पर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, जिस टाइम पर यहां पर इस बाउंड्री पर हीट ट्रांसफर नहीं होती है, तब उस कंडीशन में कंटेनर ए और कंटेनर बी कहलाते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी कि ये दोनों सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में होते हैं। कब, जब यहाँ पर हीट ट्रांसफर नहीं होती है जबकि ये ऐसी वॉल है जिससे हीट ट्रांसफर हो सकती है या एक्सचेंज हो सकती है। इस कंडीशन पे यहाँ पर जो टेम्परेचर है T1 और T2 बराबर होते हैं, T1 = T2। तब इस कंडीशन में इस सिस्टम को हम कहते हैं, ये सिस्टम होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी स्टेट मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में जाना चाहता है। ऑलवेज रिमेम्बर, यहाँ पर जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में कंटेनर ए है, कंटेनर बी है, ये इसलिए एक्सचेंज होता है क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में जाना चाहता है। और थर्मल इक्विलिब्रियम के फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होते हैं कि अगर किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको कैलकुलेट करनी है, सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं जब ये सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में हो। यही इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं, आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं जब ये सिस्टम कब होता है थर्मली इक्विलिब्रियम में होता है, उस कंडीशन में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं। अब बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये कंटेनर है ए बी एंड सी। यहाँ पर देखेंगे, ऐसा मान लेते हैं इसके अंदर गैस फिल की गई है, यहाँ पर भी गैस फिल की गई है और यहाँ पर भी गैस फिल की गई है। अब होता क्या है, ऐसा मान लेते हैं कि कंटेनर ए एंड सी, ये वाला कंटेनर एंड ये कंटेनर अगर थर्मली इक्विलिब्रियम में है, इफ ए एंड सी इक्विलिब्रियम में है एंड बी एंड सी भी इक्विलिब्रियम में है, बी एंड सी ये दोनों देखेंगे, कंटेनर ए एंड सी इक्विलिब्रियम में है, कंटेनर बी एंड सी भी क्या है इक्विलिब्रियम में है, तो उसके बाद में क्या होता है, देन ए एंड बी भी, ए एंड बी ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में होंगे, और इसी को हम कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक बार रिपीट कर देते हैं, यहाँ पर ये तीन कंटेनर हैं ए बी एंड सी, यहाँ पर जो वॉल है ये ऐसी वॉल है जिससे हीट ट्रांसफर हो सकती है, यानी कि नॉन एडियाबेटिक। अब होता क्या है, अगर ए एंड सी दोनों क्या है थर्मली इक्विलिब्रियम में है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, उसके बाद में बी और सी, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या है सेम है, यानी कि बी और सी भी इक्विलिब्रियम में है, तो ए एंड बी भी इक्विलिब्रियम में होते हैं। इसी कंडीशन को हम कहते हैं, यहां पर लिखते हैं इक्विलिब्रियम, और इसी लॉ को हम कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऑलवेज रिमेंबर, यहां पर जो वॉल यूज की गई थी वो एडियाबेटिक नहीं होती है, यहां पर हीट ट्रांसफर हो सकती है, यानी कि इसी को हम कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और ये कहलाता है थर्मली इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जो ये वॉल है, ये वाली वॉल,
ये क्या होती हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं, और यहाँ पर कहीं पर भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर सेम होता है उस टाइम पर हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। अगर टेम्परेचर अलग अलग होगा तब हीट का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तीनों कंडीशन में, तीनों कंटेनर में, कंटेनर ए, कंटेनर बी और कंटेनर सी, तीनों में टेम्परेचर सेम होता है। और जब टेम्परेचर सिस्टम का सेम होता है उस टाइम पर जो सिस्टम होता है वो थर्मली इक्विलिब्रियम में होता है। और इसी कंडीशन को यहाँ पर जो बनाई गई है इसी को हम कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। आज के लिए इतना ही काफी है। हम फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से समझें तब आप इस लेक्चर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।